हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो मैं आज आपको वैष्णो देवी के बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ, कुछ बातें बताने वाली हूँ जो हमारे वैष्णो देवी की माता के मंदिर में कुछ बदलाव होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी है ये आप लोगों के लिए। जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए चलकर जाते थे और अब वो बिना चले ही माता वैष्णो देवी के दर्शन कर पाएंगे, अब बिना पैदल चले होंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन। सरकार ने किया ये ऐसा कुछ काम। माता वैष्णो देवी वर्ष 2023 के आंकड़ों के मुताबिक माता वैष्णो देवी के मंदिर में करीबन 19 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आए थे। माता वैष्णो देवी में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है, इससे बुजुर्ग श्रद्धालुओं को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब श्रद्धालुओं की दिक्कतें कम होने वाली हैं। सरकार ने रोप वे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। बता दें कि रोप वे परियोजना 250 करोड़ रुपए की है। मंदिर करीबन 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माता वैष्णो देवी का मंदिर त्रिकुट पहाड़ पर स्थित है और इसके लिए 12 किलो लंबी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। बता दें मंदिर करीबन 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर पर चढ़ाई के लिए यदि कोई पिट्ठू खच्चर या हेलीकॉप्टर का सहारा लेता है तो उसे अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। साथ ही 12 किलोमीटर की यात्रा करने में करीबन 12 घंटे ही लग जाते हैं, लेकिन रोप वे बन जाने के बाद 12 किलोमीटर की यात्रा कुछ मिनटों में ही तय हो जाएगी। बता दें कि रोप वे की लंबाई 2.4 किलोमीटर रहेगी। मैं आपको एक बात और बताती हूँ, इस रोप वे के बन जाने के बाद हजारों फीट ऊंचाई वाले इस धार्मिक स्थल पर पहुँचने में कम समय लगेगा। अभी माता वैष्णो देवी के लिए दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को जाने में 12 घंटे तक लग जाते हैं, लेकिन रोप वे बन जाने के बाद सफ़र करीबन 6 मिनट तक ही रह जाएगा। यह परियोजना 3 साल में बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगी। यह रोप वे कटरा में स्थित बेस कैंप कटरा से शुरू होकर मंदिर के करीबन सांझी छत तक जाएगा। ऊंचाई पर मंदिर होने के कारण श्रद्धालुओं को लगातार रोप वे के निर्माण की मांग उठा रहे थे, क्योंकि उनके लिए हेलीकॉप्टर या खच्चर की सवारी करना काफ़ी महंगा साबित हो रहा था। हालांकि अब सरकार ने श्रद्धालुओं की मांग मान ली है और जल्द ही श्रद्धालु रोप वे का आनंद लेते हुए नजर आएंगे। तो आप लोगों को कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा। ऐसे ही मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।